Hello everybody, welcome back to Self Help Group for UPSC. Now in this video I will be talking about the note making for mains. Now since prelims are just over और हमें से बहुत सारे लोगों ने prelims दिया था, वो awaiting our results. Okay. Apart from that, कुछ लोग होंगे जिन्होंने नया fresh start किया होगा या फिर skip किया होगा. So for all those people, I was getting queries about how do we make notes for mains. क्योंकि आप mains दीजिए इस साल या फिर अगले साल जब भी. Mains is something जो हम सबको पढ़ना ही है. That is something that will ensure your name is in the list. Okay. So in this video, I will be starting off with कि आपको note making कैसे करनी है. और उसमें these are some of the questions जो मैं deal करूँगी. सबसे पहली चीज कि इज इट कंपल्सरी, दूसरा कि हमें किसी और के नोट्स से काम चल सकता है या फिर अपने खुद के नोट्स बनाने जरूरी है. थर्ड इज हाउ मच टाइम डज इट टेक कि आप GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स बनाएं. फोर्थ इज डिजिटल वर्सेस हैंड रिटन नोट्स, कौन सा ज्यादा बेटर है. बिकॉज मैनी पीपल दे थिंक कि अगर वो टैब में बनाएंगे या फिर डिजिटली, मतलब जिस भी तरीके से बनाएंगे, लैपटॉप पे या आईपैड पे, तो डिजिटली नोट्स बनाने बेटर हैं या हैंड रिटन नोट्स बनाने. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर नोट्स. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेंस इज समथिंग विच इज मस्ट. इसके लिए एक बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी. ओके, सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि नोट्स बनाना कंपलसरी है. यस, आई वुड से कि प्रीलिम्स के लिए एक पल के लिए आप स्किप कर सकते हैं, बट फॉर मेंस व्हाई डू यू नीड नोट्स. क्योंकि उन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में ना, जब आपको टेस्ट सीरीज लिखनी होगी और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, विद नोट्स इट इज़ हैंडी कि आप टेस्ट लिख पाए. ओके, आपके पास टाइम बहुत कम होता है. GS 1 सुबह होता है, GS 2 शाम में होता है. ओके, ऑब्वियसली ऐसे के बाद नेक्स्ट डे होता है GS 1 और 2. ठीक है, उतने छोटे से टाइम में ऑब्वियसली यू कैन नॉट रीड अ बुकलेट ऑफ 100, 200, 300, 400 पेजेस. ओके, उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. और वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी अपने नोट्स दिखा के कि आप कैसे कर सकते हैं. आई विल बी शोइंग माई नोट्स जिससे आपको हेल्प हो कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं. और वो कैसे, जैसे पहले आपके हो सकता है वो सेम नोट 2 पेजेस में हो, फिर वो 1 पेज में हो जाता है, उसके बाद इट विल जस्ट बी इन 1/4 ऑफ द पेज. ओके, यस, इतने में आपका टॉपिक आ जाए. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. ओके, सो आई वुड से कि नोट्स बनाना कंपलसरी है, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट भी नहीं है. और मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप रहने दीजिए, कहीं से कॉपी कर लीजिए. दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि दूसरों के नोट्स काफी होंगे या आपको खुद के नोट्स बनाने, तो आई वुड से कि आप खुद के नोट्स बनाइए. अब इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नहीं, इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है. यू कैन हैव एनी बेस मटेरियल. बेस मटेरियल कैन भी कि आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ओनली IAS से पढ़ी थी. ओके, उनके प्रहार मटेरियल से पढ़ी थी, फिर मैंने कुछ शून्य से भी पढ़ी थी, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने कुछ और फॉलो किया था. मतलब जो भी आपको नोट्स या फिर जो भी आपकी PDF है या फाइल है उसको आप पढ़िए, लेकिन उसमें से आपको अपने नोट्स बनाने पड़े. ओके, क्योंकि जो दूसरों के नोट्स होते हैं ना, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए होते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग से. जैसे कि जब मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी, आई विल शो यू कि आई हैव सम शॉर्टकट. मान लीजिए ये मेरा नोट है. ओके, इसमें मैं कुछ भी लिखूंगी वो मेरे हिसाब से. हो सकता है मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, वो आपको समझ आए नहीं आए, और मैं सिर्फ 1 वर्ड लिखूंगी, उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है, वो आपको नहीं पता ना. तो जो चीज़ मैंने पढ़ी है उसका मैंने क्रक्स निकाल के सिर्फ 10 वर्ड्स में वो चीज़ लिख दी. मान लीजिए मैंने एक पेज पढ़ा, उसका 1/4 लिख दिया, तो हाउ विल यू नो व्हेन यू आर रीडिंग दैट. अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया, तो मुझे तो कॉन्टेक्स्ट पता था तो आई कैन आंसर, बट आपको नहीं पता होगा. तो मुझे लगता है कि नोट्स, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए. एंड हमें बस ऐसा लगता है, बिकॉज वी टेक इट एज अ वेरी बिग थिंग कि नोट्स कैसे बनाने. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको लगेगा कि इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस और बहुत जल्दी हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम. बस वो एक बार की मेहनत होती है, बट वो कॉन्सिक्यूटिवली फिर आपको काम आएगी वेन एवर यू आर राइटिंग योर मेन्स. एंड नॉट ओनली इन दिस मेन्स, आपका अपना स्टेट का भी होगा, उसमें भी इट इज़ हेल्प. सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नोट्स बनाएं. थर्ड टाइम, सो GS के नोट्स आपके एक से
3 महीनों में बन जाएंगे, एक नहीं सॉरी जस्ट 3 इयर्स 3 मंथ्स जो विंडो होगी ना अभी आएगी प्रिलिम्स के बाद, तो उन 3 महीनों में आप आराम से GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स बना सकते हैं. इट्स डूएबल, मैंने किया है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. बिकॉज मैंने 2022 में जब पहली बार मेंस दिया था, टिल दैट टाइम ना मैंने कोई कोचिंग ली थी, ना मेरे पास नोट्स थे और मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं थी. ओके, सो आई एम समबडी हु कैन टेल यू दिस वेरी क्लियरली कि ये 3 मंथ्स में डूएबल है. और उस टाइम पे मेरे जीएस के मार्क्स अच्छे थे. ओके, मतलब डिसेंट थे, लेकिन वो मेरी गलती थी कि आई हैड अ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, सो उसकी वजह से मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ था, उस वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे. ओके, एंड विच इज अगेन द केस इन द 2023 अटेम्प्ट के मीन्स में कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा पोर्शन छूट गया था. ओके, सो फॉर दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो कि उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं. फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट GS 1, 2, 3, 4 नोट मेकिंग, एंड मोर ऑर लेस वो ऑप्शनल के लिए भी बहुत हद तक सेम. ओके, सो ये चीज़ है कि टाइम आपका 3 महीनों में ना आपका GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स आराम से बन जाएंगे. ओके, सो फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए और वो मेंस देने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं. फिर थर्ड चीज़, डिजिटल वर्सेज हैंड रिटन. नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस, जो आपको ठीक लगे. लाइक कुछ चीज़ों में मैं ऑनलाइन बनाती हूँ, जैसे कि करंट अफेयर्स के हो गए तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जहाँ भी मुझे दिखा. लाइक एथिक्स के एग्जाम्पल हो गए. ओके, ये सारे मैं डिजिटल में क्या क्या करती हूँ, आई जस्ट राइट हियर. ठीक है, जैसे मेरा एथिक्स हो गया तो मैं बहुत बार उसका एक PDF है मेरी, उसमें मैं पेस्ट करती रहती हूँ. ओके, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ कंपाइलेशन करना है मुझे, मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए करना रहता था, तो आई टोल्ड यू कि मैंने एक नोशन पे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था कि द रिवर्स बॉडीज इंटरनेशनल कन्वेंशंस और नेशनल पार्क्स हिल्स एनीथिंग दैट इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं वहाँ पे अपने मेंशन कर लेती थी. ओके, नोशन में. एंड टॉकिंग अबाउट मीन्स, जैसे मैं एथिक्स का कर लूँगी, कोर्ट्स हो गए, ये सब मैं डिजिटली करती हूँ. बाकी व्हेन इट कम्स टू जो GS 1, 2, 3, 4 का है, वो मेरे ज़्यादातर हैंड रिटन है, क्योंकि मेरे लिए उनको शॉर्ट करना आसान रहता है. ओके, सो अगर आपने ऑलरेडी डिजिटली बनाया तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर लीजिए. मैं आगे बताऊंगी आपको कि आप चाहे डिजिटली करिए या उसमें, डिजिटली तो ऑब्वियसली आप बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में कर रहे हैं लाइक दिस, तो आपको इतना पोर्शन मतलब 1/3 ऑफ द पेज साइड में आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सो दैट कल को कुछ भी आपको ऐड करना रह रहा है ना, तो आप इस साइड कर लें. ओके, क्योंकि कुछ भी एग्जाम्पल हो, करेंट अफेयर्स हो, तो आप कल को ऐड कर सकते हैं फैक्ट्स भी. ओके, नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू द अप्रोच, दैट व्हाट इज द अप्रोच दैट यू आर सपोज टू फॉलो. सो लेट्स कम टू दिस PDF. ओके, ये मैंने शिविन सर की ली थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने ये शेयर किया था, तो इसमें 2023 वाले क्वेश्चंस ऐड नहीं है. तो ये PDF मेरी नहीं है, उनकी है, उन्होंने शेयर की थी तो वही मैंने लिए हेल्प उससे. ओके, ऑल्दो मेरे पास जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, वो पवनीत सिंह सर की है, क्योंकि उसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने एग्जांपल के लिए ये उठाया है. ओके, नाउ यू सी दिस इज GS 2 सपोज, तो आपको क्या करना है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है ना, जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है ये वाला, आपको हर कीवर्ड पे अपने नोट्स बनाने हैं. इसको बताने से पहले एक मेन चीज, जब भी आप नोट्स बनाएंगे, ओके, आपके नोट्स में दो चीज़ें होंगी जिसके बेसिस पे आपके नोट्स बनेंगे. ओके, एक होगा आपका सिलेबस, एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब इससे मेरा मतलब क्या है कि सिलेबस के ईच एंड एवरी वर्ड पे आपके पास एटलीस्ट 200 से 250 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए. ये मैं आपको बताऊंगी कि इसका काम क्या रहता है. सेम इज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना सिलेबस से ही आते हैं मोस्टली. ठीक है, बहुत कम केसेस में यू विल हैव बाउंसर्स. प्रीलिम्स में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाउंसर्स दिख जाएंगे, मेंस में वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. एंड मेंस इज समथिंग जो आप पहले से पढ़ सकते हैं, इट इज़ ईजिली प्रिडिक्टेबल. ओके, मतलब अगर आपका बेसिक कंटेंट तैयार है तो आप उस हिसाब से उसको वो मोल्ड कर लेंगे जो भी आपका कंटेंट है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखिए कि इन दोनों चीज़ों पे आपके बनेंगे. सिलेबस का कीवर्ड रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में से आते हैं. इट विल जस्ट हेल्प यू डिसाइड द डायमेंशंस. ओके, डायमेंशंस एंड डिफरेंट आस्पेक्ट क्या हो सकते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे.
इन दोनों के अलावा यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. अब आपको क्या करना है ना, पहली बात आप इन पे नोट्स बनाएंगे, ओके, लाइक फीचर्स, अमेंडमेंट्स आपको पता होंगे बेसिकली, क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत से पढ़े, तो इट इज़ मोर लेस सेम. पर क्या होता है कि जब आप मेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें लिखी जाती हैं जो मैं अभी नोट्स में बताऊंगी. ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे नोट्स बनाने. तो जो भी आपका सोर्स है वहाँ से ये पढ़ेंगे. लाइक मैंने प्रहार मटेरियल से पढ़ा था तो उन्होंने टॉपिक वाइज अपने नोट्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. अगर आपने कोई कोचिंग या क्लास की है तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट ही ले लीजिए. ओके, तो प्रेसिडेंट से आज तक क्या क्या क्वेश्चंस आए, मान लीजिए उनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेके क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, जितने भी उसके डायमेंशंस हैं वो आपको लिखने हैं. सपोज कोई भी टॉपिक है, फॉर दैट मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि ये पॉलिटिक है. ठीक है, सपोज आप ये ले लीजिए, थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ. सपोज यू टेक इट फॉर सेपरेशन ऑफ. ओके, नाउ यू सी व्हाट आर द क्वेश्चंस आज तक पूछे गए. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सिलेबस में, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिजम्स, इंस्टीट्यूशन. ओके, ये आपको समझ आ गया. अब जब आप नोट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप देखिए कि आज तक इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. ठीक है, देखिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा होगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फंक्शनल ओवरलैप. ये आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. ओके, कि ये किसकी बात करें, तो सेपरेशन ऑफ पावर इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में पूछा. नाउ अगेन आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स आस्किंग यू अबाउट दिस कंटेंशियस इशूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाई द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ओके, ये है, आप नोट करते जाइएगा जो मैं बता रही हूँ. ओके, थर्ड इज कि इट्स आस्किंग यू अबाउट चेक्स एंड बैलेंस. ओके, ये है, सी डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. ओके, सो इसमें इट्स अ 10 मार्कर. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे नोट्स में है, अगर आपने मैंने मतलब उतना पढ़ा है तो आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. और वो कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगी, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी. व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, आपको अपने आप पता चलेगा कि वी आर नॉट अ कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट फेडरल स्ट्रक्चर. ओके, वी आर क्वासी फेडरल, है ना, उसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंस, और उसके लिए आपको इसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स चाहिए. ओके, कि वी डू नॉट, अनलाइक अमेरिका, मतलब अनलाइक यूएसए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है. ओके, सो दिस इज द थिंग. थर्ड, आप देखिए दोबारा एसओपी पे देयर इज अ क्वेश्चन एंड अगेन व्हाट इज इट आस्किंग. फिर नेक्स्ट कमिंग, ये देखिए 2022 में अगेन दे आर आस्क्ड यू ऑन एसएपी, और इसमें क्या पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट. ओके, here it is asking about decentralization. Okay, next again, where is SOP? हाँ, अब ये last में उन्होंने थोड़ा सा federalism related. Okay, so we are done with SOP. Okay, अब आपने ये देख लिया, अब आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो we were discussing about this, आपने SOP पढ़ा, तो while you are doing SOP आपके answers में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. पहली चीज, एक बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए उस चीज़ की, एंड दिस यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द थ्री सब्जेक्ट. नाउ अगर कोई फैक्ट है या कुछ करेंटली कुछ हुआ है तो वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको आंसर फ्रेम करने में हेल्प हो जाए. ओके, सो बेसिकली ये ज़्यादातर काम आता है GS3 में, जहाँ पे आपके पास स्कोप है थोड़ा करेंट का. अदरवाइज दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, तो आप SOP में डेफिनेशन लिखें. ओके, नाउ कम्स द पार्ट फॉर एडिंग डायमेंशंस टू इट. इसमें हमको क्या करना है, यू विल बी राइटिंग कि आज तक आपको पूछा क्या गया है. जैसे उन्होंने पूछा कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन पे है तो आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इट्स बेसिकली आस्किंग अबाउट योर फंक्शनल ओवरलैपिंग. नाउ दिस इज अ सेक्शन जो आप पढ़ेंगे व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट मेंस, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या है, एंड यू विल बी हैविंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो फॉर दैट. ओके, फिर इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे चैलेंजेस क्या हैं इस चीज़ के, कि कहाँ तक हम फॉलो कर पा रहे हैं, देन व्हाट इज़ दी सिग्निफिकेंस. ठीक है, रिसेंटली अगर इसको लेके कुछ चेंज हुआ है, और GS2 में देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जजमेंट्स ऑल्सो, अगर ऐसा कुछ है. ओके,
सो इस तरीके से आपके अपने नोट्स होंगे ओके और इसी से आपका ये दिस डेफिनेशन फैक्ट्स दिस विल हेल्प यू इन इंट्रोडक्शन दिस ऑल विल हेल्प यू इन योर बॉडी ओके और फाइनली कंक्लूजन करने के लिए आपके पास जजमेंट्स होंगी बहुत सारी चीज़ें ओके सो वो मैं आपको बताती हूँ कि नोट्स की हेल्प से नाउ आई विल टेल यू यहाँ पे मैंने ना अपने नोट्स का थोड़ा सा किया है ताकि आपको हेल्प हो जाए समझने में ओके नाउ सी हियर दिस इज माय नोट आपको कैसे बनाना है और मैं आपको बताऊंगी कि ये धीरे धीरे करके एकदम शॉर्ट कैसे हो जाए दिस वॉज आफ्टर आई डिड माई फर्स्ट रीडिंग ये सेकेंड में मैंने नोट किया ओके दिस वॉज डन इन 2022 और ये मैंने प्रीलिम्स के बाद बनाया था क्योंकि उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था बिकॉज आई डिड नॉट अटेंड एनी क्लासेस तो मैंने ये सबसे पहली बार में बनाया था नाउ सी हियर आई हैव रिटन दी डेफिनेशन ओके हाँ अगर आप ये देखेंगे तो मैंने इसमें डेफिनेशन डाली है ये देखिए सबसे पहले ठीक है इंट्रोड्यूस बाय मॉन्टेस्क्यू एडवोकेट्स फॉर डिस्टिंक्ट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये डेफिनेशन है इसकी बेसिक फिर ये मैंने बाद में ऐड किया है ओके क्योंकि उससे पहले यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन मतलब मुझे इनमें से कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते थे पॉलिटी में आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट तो जब आप नोट्स लिखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा ओके कि व्हाट आर द थिंग्स जो आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं मोस्टली हम पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए तो उसमें हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं सपोज कैट से स्टार्ट हुआ है तो यू विल स्टार्ट विद आर्टिकल 148 कैट स्पीक्स अबाउट दिस तो वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट का है किसी चीज़ पे या फिर फंडामेंटल राइट 19 की बात हो रही है एनजीओस की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है तो इन सब चीज़ों में आप आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं ओके तो वो आपके आंसर को अच्छा फील कराता है कि यू नो दैट ओके सो दिस इज आपने ये लिखा ओके आपने इंट्रोडक्शन लिखा नाउ हियर आई हैव रिटन अबाउट फंक्शनल ओवरले ओके अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि सपोज एसओपीज में दे हैव आस्क्ड अबाउट जुडिशियर और एग्जीक्यूटिव के बारे में कि उनका स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है तो आपको टोन समझ आनी चाहिए कि वो उसके लिए सपोर्ट में मांग रहे हैं या अगेंस्ट मांग रहे हैं और उसी के हिसाब से आपका आंसर बनेगा तो आपके नोट्स में दोनों चीज़ें होंगे ओके लाइक देखिए ये मैंने लिखा है कि यहाँ पे फंक्शनल ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है ओके सेम चीज़ आपको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के लिए भी मैंने लिखा है एंड यू सी हियर आई हैव रिटन द केस ओके ये होता है जजमेंट कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा अगेन यू सी यहाँ पे आई हैव रिटन जजमेंट मतलब जो भी आप एंगल दे रहे हैं सी दिस इज अ डायमेंशन राइट ऊपर था फंक्शनल ओवरलैप ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ओके तो फिर जब यहाँ पे मैंने लिखा है तो उस पर मैंने उसके लिए केस भी मैंशन किया ओके नाउ यू सी यहाँ पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर का ओवरलैप लिखा है जहाँ पे मैंने देखिए आर्टिकल मैंशन किया है अगेन आई हैव एग्जाम्पल एंड अगेन आई हैव जजमेंट ओके अब आप सोचेंगे कि अगर आप मेरे नोट्स में आपको दो तो आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली क्योंकि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाए ओके सो व्हेन आई विल बी राइटिंग इन द मेन एग्जाम ये तीन चार चीज़ें हैं जो मुझे याद करनी है कॉन्टेक्स्ट मुझे ऑलरेडी पता हो उसके बेसिस पे मैं चैलेंजेस फ्रेम कर पाऊंगी मतलब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको तब हो जाएगी जब आप आंसर राइटिंग करें सी आई एम ट्राइंग टू एलैबोरेट एंड आई होप योर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ ये आप जब लिखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा व्हेन यू विल बी यूजिंग दैट इन आंसर्स तो आप थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे करके सीख जाएंगे ओके सो दिस इज़ फॉर नोट मेकिंग कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं आपको लिखनी ज़्यादातर चीज़ें नोट्स में वो हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी जैसे फैक्चुअल चीज़ें होंगी जजमेंट्स हो गए एग्जाम्पल्स हो गए दीज एग्जाम्पल्स कैन चेंज बेस्ड ऑन करेंट हैपनिंग्स लाइक ये मैंने 2022 के लिए किया था नाउ व्हेन इट कम्स टू 2024 में अगर लिखना हो किसी को भी मीन्स तो एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे क्योंकि एक दो साल में बहुत कुछ हुआ होगा तो दैट्स वाई आई सेड कि कीप अ स्पेस सेपरेटली इन द साइड ऑफ योर पेज सो दैट यू कैन ऐड ऑन लेटर ओके सो अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा है कि दिस वॉज अ स्टेटमेंट यूज बाय लाइक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी गिवन बाय जस्टिस चंद्रचूड़ इन NCI वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ओके और इट टॉक्स अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेज यू कैन यूज इट वेन एवर अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें इट वॉज टॉकिंग अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेज तो आपको ये कंटेंट होगा ना आपको बस वो यूज़ करना आना चाहिए यू विल ऑलवेज हैव अ रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट ओके नाउ यू सी जुडिशियल एक्टिविज्म में अगेन आई हैव रिटन यहाँ पे मैंने जजमेंट्स भी मेंशन किए ओके लाइक एनवायरनमेंट पे देयर वाज अ क्वेश्चन और यू सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ
ओके जजमेंट तो यू कैन यूज इट. क्वेश्चन कहीं से भी आएगा योर कंटेंट विल रिमेन द सेम. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट टू दैट क्वेश्चन. ओके नाउ सी अगेन हियर आई हैव मेंशन अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेज. यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है. आई हैव गिवन एग्जाम्पल और उसके नीचे दीज आर द पॉइंट्स. ओके नाउ दिस इज कंक्लूजन जो मैं यूज कर सकती हूँ. अब मान लीजिए आपके जो कीवर्ड है या फिर जो भी आप जिस पे लिख रहे हैं सिलेबस में उस पे कोई डायग्राम हो सकता है फ्लो चार्ट. ओके कि आप ये एग्जाम में यूज करेंगे. नाउ यू सी व्हेन यू आर डूइंग इट दिस वे ना आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान है बिकॉज यू नो आपके पास ये जो कंटेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड है. इतना ही कंटेंट आपको यूज करना. तो इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू राइट एंड रिकॉल इन द एग्जाम. लेकिन वहाँ पे आपके पास 200 पन्नों की पीडीएफ होगी. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके सो ये देखिए आई एक्सप्लेन यू विद दैट थिंग. और यहाँ पे लास्ट में आई हैव रिटन दी रिकमेंडेशंस जो भी इम्पोर्टेंट है. ओके फिर लास्ट में ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज माय कीवर्ड का सेक्शन जो मुझे इस आंसर में यूज करना है. लाइक हारमोनियस कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी जुडिशियल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ओवरलैप अल्ट्रा वायर्स रूल ऑफ लॉ. ओके जितना मुझे याद रहेगा वो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स में डाला हुआ. सेम थिंग आई फॉलोड इन दिस. ये दूसरा नोट है सेडिशन के ऊपर. ओके जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं फिर अगेन आई हैव रिटन दी केसेस जो मुझे यूज करने हैं आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट. मतलब आर्टिकल ये जरूरी है कि नहीं. मतलब जो भी आई टी एक्ट है 28 एडिशन का क्या जरूरत थी. तो ये यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट भी लिखा है मैंने उसके और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट भी लिखा है सो दैट कि इन एनी वे क्वेश्चन आए तो मुझे पता होना चाहिए. सिमिलरली मैंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी लिखा. तो योर नोट्स हैव टू हैव ऑल द डायमेंशन जो आज तक पूछे गए और जो सिलेबस में मैंशन है. ओके नेक्स्ट इज लाइक अब मैं ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है. सेम थिंग सी सेपरेशन ऑफ पावर. ये है जस्ट एग्जाम से जाने से पहले का कि वन डे बिफोर आई विल बी रीडिंग दिस. ओके तो मैंने और छोटा कर दिया जितना मुझे चाहिए था. तो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू. तो पहली बार में यू विल नॉट बी गेटिंग. ओके तो सम पीपल वर आस्किंग मी एक मिनट. ओके सो सम पीपल वर जस्ट आस्किंग मी कि बहुत जैसे 200 पेजेस के 300 पेजेस के नोट्स हैं तो कैसे रह जाएंगे. तो इनिशियली ऑब्वियसली वो इतने आप वन पेज वन इशू के तौर पे आप उसको बना सकते हैं या फिर मैक्सिमम टू पेजेस. लाइक मेरा सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा बड़ा हो गया था तो दो पेजेस में था. फाइनली इट शुड कम डाउन टू वन पेजेस. इट शुड इवेंचुअली कम डाउन टू ओनली 1/4 पार्ट ऑफ पेज. ओके सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. और ऐसा ही आपको ऑप्शनल के लिए भी करना है. तो फाइनली जो मैंने आपको बताया था ये वही बात है कि आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए फैक्ट्स और आप सेपरेटली लिख लीजिए कि वॉट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मैंशन इन कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करें. दिस विल शो यू कि हाउ वेल रेड आर यू विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक. ओके सो अगेन दिस वन. ओके ये हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू GS3. यू सी अगेन मैंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे लिखा है. इफ़ यू गो फॉर द सिलेबस यू सी आई शो यू. ये देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मान लीजिए ऐसे. ओके इसमें देखिए क्या है. स्कोप लिखना है आपको. सिग्निफिकेंस चाहिए. लोकेशन चाहिए. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके अब मान लीजिए मुझे इस पे नोट बनाना है तो मैंने कैसे बनाया हुआ था. यू आर सपोज टू मेक इट. नाउ दीज आर द फैक्ट जो मेरे को लिखने. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास पहले तीन पेज जैसे मेरी ये PDF होती थी जो मैं स्टेपल करके रखती थी उसके तीन पेज पे मेरा पूरा GS3 के फैक्ट्स होते थे सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिवाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट हर टॉपिक के नीचे उसका एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा अगर होगा तो मैं लिख देती थी. ओके इसमें कुछ फैक्ट्स कम हो सकते हैं क्योंकि मेरे स्टार्टिंग की PDF में होते थे 3-4 जो मैं रखती थी वो पूरे सब पे एप्लीकेबल था जितना GS3 का सिलेबस है. ओके रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है. फिर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी. ओके यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है. फिर डाउनवर्ड्स यहाँ पे आई हैव रिटन सिग्निफिकेंस. ये क्वेश्चन में था. अब सिग्निफिकेंस इससे ज़्यादा हो सकती है बट मैंने उतनी लिखी है जितनी मुझे मैंडेटरीली वहाँ पे लिखनी है. बाकी थोड़ा आपको रैंडमली याद आ जाएंगे. वंस यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग ना आप उसमें हो जाएंगे अच्छे से तो आप उसको लिख पाएंगे. ओके नेक्स्ट कम्स. फिर मैंने स्कोप लिखा है बिकॉज दिस वॉज देयर. अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट लिखा है. देन वॉट आर द इशूज रिगार्डिंग दिस. ओके नाउ अब ये जितने भी इशूज हैं इसके रिगार्डिंग ना इसके साथ आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे. जैसे इंडिया में आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्वालिटी टेस्ट
इसमें ना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आई डोंट रिमेम्बर लिखा है कि नहीं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है तो अगर आप लिखेंगे इंडिया में बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ये सब, क्योंकि वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको लेके आपके पास फैक्ट है अगर आप वो लिखेंगे तो वो आपके आंसर को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू. आपका कोई भी जेनेरिक आंसर है उसमें अगर आप फैक्ट्स ऐड करोगे, डेटा या फिर कोई कमिटी ऐड करोगे, वो आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाएगी और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है पढ़ने में. ओके, सो इसमें देखिए मैंने सारे डायमेंशंस लिखे हैं. आई स्टार्ट विद सिग्निफिकेंस, स्कोप, फिर मैंने ये लिखा है, फिर इशूज भी लिखे हैं. नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, विच यू विल हैव टू मैंशन जब भी क्वेश्चन आए मोस्टली, कि वट आर. देखिए हमारा काम सिर्फ चैलेंजेस देने का नहीं है ना, आपको सॉल्यूशंस भी बताने हैं और फिर ये भी बताना है कि उसके रिगार्डिंग व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ओके, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द कमिटी रिकमेंडेशंस. ओके, सो सी कमिटी रिकमेंडेशंस हैं, ये जेनरिक हैं, ये ऐसी नहीं लिखी है जो आपको याद ना रहे. इसको अब आप जेनरिक से स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे, व्हेन यू हैव डेटा रिगार्डिंग दैट. ओके, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कनेक्टिविटी में क्या इशू है उसको लेके आप डेटा बताइए. ठीक है, ये हो गया, फिर ऐसे हो गया, और फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, सो आई होप आपको समझ आ पाया होगा कि आप एक टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं अच्छे से. फर्स्ट गो में आपके हो सकता है नोट्स इतने हल्के ना हो, मतलब एक पेज के ना हो, थोड़े ज़्यादा बन जाए, बट ट्राई कि आप उसको एक दो पेजेस तक ही करें, उससे ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट यू सी हियर इज लैंड रिफॉर्म्स, अगेन आई हैव अ डेफिनेशन ऑन दैट, फिर मैंने उस पर फैक्ट भी लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर आई हैव रिटन की दो फेजेज में वॉट कैसे लेके आए हैं हम, उसमें क्या क्या किया है हमने, देन व्हाट आर द इश्यूज जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए. ओके, फिर उसके बाद यू विल हैव द अचीवमेंट्स, कि हाउ वर दे बेनिफिशियल, ये सब किसके बेसिस पे है, ऑल द डायमेंशंस. ओके, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे और उन्होंने पूछे हुए. ओके, और उसके अलावा जो मेरे आंसर को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, जो मैं यूज कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें आई हैव इंक्लूडेड हियर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, व्हाट आर द बेनिफिट्स. अब देखिए यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं, नीति आयोग का डेटा लिखा है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द वे फॉरवर्ड जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको लेके इस साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था. ओके, सो आपको ऐसे लिखना है. देखिए कर्नाटकास प्रोजेक्ट, तो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके आंसर्स में, अगर ये सारी चीज़ें होंगी ना, वो अपने आप नोट्स में आ जाएंगे. दीज आर द थिंग्स जो आपके आंसर को अच्छा बनाती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, कमेटी की रिकमेंडेशंस हो गई, जजमेंट्स फॉर GS2 बेसिकली ज़्यादातर तो उसी में होगा. ओके, मैक्सिमम फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, कमेटी रिकमेंडेशंस हो गई, यू विल हैव टू यूज कीवर्ड्स. ओके, देन फैक्ट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव करेंट एग्जाम्पल्स. ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में होंगे. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस यू विल हैव सिलेबस, इन दोनों को कंबाइन करके यू विल बी मेकिंग नोट्स. एंड आई होप आपको मेरे नोट्स देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हाउ आर यू सपोज टू अप्रोच फॉर द रिसोर्सेज, मैं आपको बताऊँगी. और एक और चीज़ लास्ट मुझे दिखानी थी, लाइक दिस इज द डॉक्यूमेंट जहाँ से मैंने लिया था. ओके, नाउ यू सी दिस इज जो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि मैंने लिखा है यहाँ से. नाउ सी हियर इज द फंक्शनल ओवरलैपिंग. अब मान लीजिए ऐसा कुछ फ्लो चार्ट है जो आपको लग रहा है आप बना सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, आप देखिए ये सारे केसेस हैं, आपको ये सारे नहीं लिखने, आपको देखना है एक दो जो आपका एड्रेस करे इशू. मान लीजिए ऑर्डिनेंस पे है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कोई और चीज़ पे है तो क्या बोला है, उसके लिए एक से दो जजमेंट आर इनफ. आप बहुत ज़्यादा लिख लेंगे तो यू विल बी कन्फ्यूज दें. ओके, फिर देखिए यहाँ पे जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तो अब ये लास्ट ईयर की थी आई थिंक 2023 की. अब जो नया डॉक्यूमेंट आएंगे इन्हीं के होंगे, उसमें करंट भी मैंशनड होता है, आप वो भी साथ में लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप योर अंडरस्टैंडिंग. सी दिस वॉज अ क्वेश्चन जो पहले आ चुका है, तो जो भी आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में उसको यूज़ कीजिए. ओके, लाइक सी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट को लेके, तो ये भी आप अपने एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं. अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं. ओके, सो आई होप आई वॉज क्लियर. मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए. नाउ सी हियर दे हैव अ कॉलम फॉर की फ्रेजेस फॉर मीन्स, जो कि कीवर्ड्स हैं, तो आपको जो लग रहा है आप इसमें से लिख लीजिए.
मैंने इसमें से और थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने अपनी आंसर टेस्ट सीरीज या कहीं के आंसर में था वो मैंने इसमें ऐड किया. सो डेटा को लेके, कीवर्ड्स को लेके, एग्जांपल्स, जजमेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कमिटी, इन सब के लिए ना डेटा हमेशा मेंस से जस्ट पहले बुकलेट्स आती हैं. ओके जो मेंस के लिए होती है कि ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग फॉर मेंस उनको हैंडी रहे. तो मैंने ओनली आईएएस की देखी हुई है, शून्य आईएएस की देखी हुई है, वो है. उसमें से आप इन चीज़ों में ना वैल्यू ऐड कर सकते हैं. ओके तो ये आपके आंसर को और अच्छा बनाएगी. अब इन सब चीज़ों के बाद सबसे मेन चीज़ जो मैंने बतानी थी वो थे कि जो मेरे से गलती हुई है कि आप ना कंटेंट के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा. ये एक बेसिक था जो मैंने बताया. आपने एक बेस मटेरियल लिया, जैसे मैंने अपना ओनली आईएएस का पढ़ा था प्रहार मटेरियल, आपका जो भी मटेरियल जिससे आप पढ़ रहे हैं ओके उसको लीजिए, उसमें वैल्यू ऐड कीजिए इन द प्रोसेस. सपोज आपका एक बेस मटेरियल हो गया, उसमें से जो भी इन द वे प्रिपरेशन के दौरान आपका आ रहा है आप तब ऐड करें वैल्यू. ओके इट शुड नॉट हैपन कि आपने चार मटेरियल उठाए हैं, अब इन चारों को पढ़ने के बाद अलग से अब आप लिखने बैठ रहे हैं ओके और फाइनली आप वन मटेरियल बना रहे हैं एक, ये आपको क्या करेगा, बहुत हेक्टिक कर देगा एंड आपकी प्रिपरेशन हैफजर्ड हो जाएगी. और एज अ रिजल्ट क्या होगा, यू विल बी हैविंग अ लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ओके और ये ब्लंडर्स देती है. ओके क्योंकि इट हैज़ हैपेंड विद मी, आई वॉज रनिंग आफ्टर द कंटेंट अलॉट. ओके तो कंटेंट के पीछे तब भागिए जब आपकी आंसर राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आपके नोट्स बन चुके हैं, सब कुछ हो गया. ओके कोई पॉइंट नहीं होता कंटेंट को इकट्ठा करने में जब आप उसको लिख ही नहीं पाएंगे. ठीक है उतना ही पढ़ना है जितना हम रिप्रोड्यूस कर सकें. सो 200 टू 250 वर्ड्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा, उतना काफ़ी होता है. व्हाट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझकर उतना कंटेंट भी यूटिलाइज कर लेंगे तो ट्रस्ट मी यू विल गेट मोर देन इनफ मार्क्स. ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा वो, उतना काफ़ी होता है. आप उतना ही लिख लें वो बहुत है. ओके सो आई होप आई वॉज एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ दिस नोट मेकिंग. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एंथ्रोपोलॉजी एंड आई वॉन्टेड टू मेक अनाउंसमेंट हेयर कि माई नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिगार्डिंग द मेन्स प्रिपरेशन. ओके कि आप कैसे फ्रॉम स्क्रैच नोट्स को लेके एंड कंटेंट एवरीथिंग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड आई थिंक मैं ये चीज़ बता सकती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद की थी विदाउट एनी कोचिंग. तो ऑलरेडी इतना मटेरियल है बट उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियोज मेरी इसी पे आएंगी वेयर आई विल बी शेयरिंग रिसोर्सेज एंड आई विल ऑल्सो भी शेयरिंग कि आप ये बता दिए मैं नोट्स कैसे बना सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजी का मैं आपको अपना बताऊँगी कि मैंने दो अटैम्प्ट में क्या इम्प्रूव किया था एंड क्या चीज़ें मेरे लिए काम की और क्या नहीं की. ओके सो नेक्स्ट 4-5 वीडियोज विल बी सेपरेटली ऑन मेन्स, उसके रिगार्डिंग होगी. सो दैट आई होप कि वो आपको बहुत हेल्प करे इन दी कमिंग मेन्स. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आई होप आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज. तो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँ. ओके थैंक यू.